अच्छा जी, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी तो वो से बोर्ड पे करवाना है, लेकिन पहले बताइए ये वाली एग्जाम्पल समझ में आ गई आपके? ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी करवाई थी, मतलब बताई थी कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी वुड बी इक्वल, तो पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, इस वाली लॉजिक से नहीं, बस जब ए आएंगे जितने ए आएंगे उतने ही बी आएंगे, इस वाली लॉजिक से बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जितने ए आएंगे बेटा उतने बी आएंगे, इस वाली लॉजिक से बात कर रहे हैं। तो मैं जरा, अब मुझे ये वाली एग्जाम्पल बताइए जो स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गई ना? जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे, ये लैंग्वेज रेगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी नहीं, इसमें भी इनफाइनाइट कंपैरिजन है ना, इसमें भी इनफाइनाइट कंपैरिजन है। देखें ये लैंग्वेज इनफाइनाइट है, लेकिन ये इसमें इनफाइनाइट कंपैरिजन क्यों है कि कितने ए आएंगे कितने बी आएंगे, पहले कौन सी चीज आएगी बाद में कौन सी चीज आएगी, इट डजंट मैटर। लेकिन पहले कितने कितने काउंट करने हैं और कितने नहीं करने, ये मसला है। मैं आपको इसको बोर्ड पे समझाता हूँ और फिर इसके बाद वाली एग्जाम्पल भी मुझे बोर्ड पे समझानी है, तो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ इसे। ये जो एग्जाम पे लेना जो अभी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को, मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ और उसके बाद वाली भी बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखिए ये लैंग्वेज है, पहले तो आपको लैंग्वेज क्लियर हो ना, तभी तो आप किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये है नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इन ए स्ट्रिंग इज शुड बी इक्वल, ये है बट देख रहे आप। देख रहे जो टोटल ए और टोटल बी जो है वो बराबर है, पहले तो लैंग्वेज समझ लीजिए। इट डजेंट मैटर कि पहले कौन सी चीज आ रही है बाद में कौन सी चीज आ रही है, तो ये भी नहीं है कि एक दफा जो चीज पहले आ गई वो बाद में नहीं आ सकती, नहीं। ठीक है, पहले ए बी फिर बी है। अब ये वाली लैंग्वेज देखें, इसमें पहले बी आए फिर ए, पूरे यहाँ पर देखें पहले ए कम थे फिर बी ज्यादा हो गए, फिर ए कम थे फिर बी, इस तरीके से। तो इसमें भी यही लॉजिक है कि इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि पहले मुझे किसे देखना है और किसे नहीं देखना। क्लियर हो गई बात? पहले कितनी कौन सी चीज आएगी और कितनी आएगी, जब तक वो आती रहे मुझे उसको चेक करना है कितना आएगी। हो सकता है 1000 दफा ए आ जाए, 1000 दफा ए आ जाए, और उसके बाद 1 दफा बी आ जाए, फिर दोबारा 1000 दफा ए आ जाए। हाँ, लेकिन बराबर होने चाहिए। तो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, इसका सॉल्यूशन मौजूद है लेकिन वो फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं है। इज इट क्लियर? ये देखिए, जी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है अब तक है? ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं आपके ख्याल में? बाकी लोग भी बताइए। हाँ, ये सब कह रहे हैं रेगुलर है। अब देखिए, आप देख के पहचानना शुरू हो गए ना, आपको एक दो चीजें बताई हैं। तो अभी आपने एल्गोरिथम नहीं पढ़ा कोई, लेकिन आप देख के वैसे भी पहचान रहे हैं कि लैंग्वेज रेगुलर है। आपको क्लियरली पता चल गया कि सर थ्री जो है उसके जो मॉड के रिमाइंडर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये बी है, बी कर ले, ऐसे बी कर ले, ये बी है। ठीक है, अब थ्री जो है उसके रिमाइंडर कितनी तरह के होते हैं बेटा? सर 3 तरह के होते हैं, इसलिए देखिए 3 तरह के तो फाइनाइट कंपैरिजन हो गया। तो नंबर ऑफ ए का रिमाइंडर जो है 3 से, तो नंबर ऑफ बी के रिमाइंडर से बड़ा होगा 3 से। तो ये आसानी से क्या हो गई, रेगुलर लैंग्वेज हो गई। इज इट क्लियर? कोई स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में ना आई हो? जी समझ में आ गया सबको? ये अच्छा जी, अब आगे आइए। और एक अब ये जो इस तरह की जो एग्जाम्पल है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है।
इस चीज का मतलब क्या होता है, सॉरी इस चीज का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखूं W X W R such that W कॉमा X belongs to A कॉमा B क्लोजर, इस चीज का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। W कैन बी एनी स्ट्रिंग, W कैन बी एनी स्ट्रिंग, W कैन बी एनी स्ट्रिंग, W R क्या है, जो W होगा उसका रिवर्स स्ट्रिंग। देखें इसका मतलब होता है W और X belongs to A कॉमा B का क्लोजर, मतलब है W जो है वो ए बी के क्लोजर में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है ए बी पे, एक्स भी जो है वो ए बी पे कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, लेकिन जो W होगा W R होगा उसका रिवर्स। लाइक इफ W इज ए बी बी ए बी, तो W R क्या होगा, बी ए बी बी ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है तो इन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये इसमें इन्होंने एक कंडीशन लगा दी, मॉड एक्स शुड बी 5। अब इस कंडीशन में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब क्या है कि एक्स जो है एक्स उसकी लेंथ एग्जैक्टली 5 है, एक्स जो है एक्स भी ए बी पे कुछ है लेकिन उसकी लेंथ कितनी है, एग्जैक्टली 5। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं ए डबल बी, इसको मैं कह रहा हूं डबल बी ए। एक्स की लेंथ कितनी बता रहे हैं, 5, तो एक्स की लेंथ ले लेते हैं रैंडम ए बी ए बी, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रिंग को मैं मिला के लिखूं, गौर से देखिएगा, तो ये बनेगा ए डबल बी ए बी ए बी ए डबल बी ए, सही है। ये हो गया W, ये हो गया W, सॉरी ये हो गया X, ये हो गया W R, सही है। Are you getting me? इसका रिवर्स क्या होगा, ए डबल बी का रिवर्स क्या होगा, तो बस यही बता रहा हूं। यू के बिल्कुल सही, ए फैक्टर नहीं है, एक्स फैक्टर है, मैं भी ये कह रहा हूं कि एज फैक्टर नहीं है, एक्स फैक्टर है। इधर गौर से देखिए, अब जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की तो मैंने आपको ये स्ट्रिंग अलग अलग लेके दिखाया, सही है। अब आप मुझे बताइए ऑटोमेटा को क्या मिलता है, स्ट्रिंग मिलता है ना। अब आप दोबारा गौर से देखिएगा मेरी बात, जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। ऑटोमेटा को क्या मिलता है, क्या अलग अलग स्ट्रिंग मिलती है या कंबाइन एक स्ट्रिंग मिलता है, कंबाइन। अब आप मुझे बताइए इसमें से W क्या है, W R क्या है, X है, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। देखें मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझना चाहेंगे तो वो तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए ओवरऑल आपको पता चल सकता है इसमें से W क्या है, W R क्या, X क्या, नहीं पता चल सकता। अब आप यहां से स्ट्रिंग पढ़ना शुरू करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि W कहां तक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बस इतनी सी बात है। नहीं ना बेटा आप समझ नहीं रहे, ऑटोमेटा की लॉजिक आपने खुद ही बनाई हुई है ना पहली क्लास से लेके, ये वो थोड़ी है, ये वो थोड़ी है कि आप पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स में सेव करवा लें मेमोरी में और फिर जाकर रिवर्स से उसको मैच करते रहें। ये एक एक करेक्टर करके इनपुट ले रहा है और एक एक करेक्टर करके जब इनपुट लेगा ये, तो आपको कैसे पता चलेगा W कहां तक है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो बस इसीलिए लैंग्वेज क्या रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा W की लेंथ कहाँ तक, और जब W की लेंथ पता नहीं चलेगी
तो हम W को खत्म कहाँ से करेंगे और W R को शुरू कहाँ से करेंगे, X कहाँ से लेंगे। क्लियर हो गई बात। अगेन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के जरिए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा था, वैसे तो देखिए बहुत सारी लॉजिक है, आप पूरे स्ट्रिंग की लेंथ को मैच कर लें, जितनी लेंथ हो उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब जो भी आप समझाना चाहें वैसे कर लें, ठीक है ना। पूरे स्ट्रिंग की लेंथ को आप 5 माइनस कर दें पूरे स्ट्रिंग की लेंथ में से, मतलब अगर फर्स्ट करें, लॉजिक तो बहुत सारी बन सकती है ना। आपने बोला सर ये देखें 10 5 और 6 11 है ना सर, सर 11 में से आप 5 माइनस कर दें, सर ठीक है सर 6 आंसर आ गया, सर उसको 2 से डिवाइड कर दें, सर 3 आंसर आ गया, तो सर W की लेंथ जो होगी वो 3 होगी। लेकिन बात वही है ना कि हम इस तरीके से थोड़ी कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गई बात। मैं इसको फाइनाइट ऑटोमेटा की लॉजिक से सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो उससे ये हो नहीं सकता क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा W की लेंथ कहां तक जानी। इज इट क्लियर? मैं अपनी बात को देखें जस्टिफाई इस तरह से कर रहा हूं कि आपको ये नहीं बता रहा कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, आपको ये बता रहा हूं कि ये जिस तरीके से हम पढ़ के आए वैसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो दिमाग में ये नहीं रखिएगा सर ये तो सॉल्व हो सकता था, वो तो मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आप इसको जिस तरीके से कर रहे हैं ऑटोमेटा में थोड़ी होगा कि आप लेंथ को पहले फॉर्मूले से फिक्स कर रहे हैं और ये वो। ऑटोमेटा तो सिंपल कहता है इनिशियल स्टेट पर करेक्टर इनपुट दो, अपनी स्टेट चेंज करते हुए फाइनल स्टेट पर जाऊंगा, अगर एक्सेप्ट होता है तो सही है वरना नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं ये चीज हटा देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है आपके ख्याल में, इसका मतलब क्या है इस लैंग्वेज का? वही चीज है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि x की लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, समझ गए? अब क्या कह रहे हैं कि x की लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब है x जो है वो कहां तक जा सकता है, x जो है वो मैक्सिमम लेंथ तक जा सकता है, W भी मैक्सिमम लेंथ तक जा सकता है W R। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं एक सपोज कर लेते हैं दोबारा, ए डबल बी डबल बी ए एंड एक्स जो है वो ए डबल बी होगा। अब अगर मैं सिस्टम को कंबाइन करके लिखूं ए डबल बी ए बी ए डबल बी ए, सही है? मुझे बताइए क्या ये इसका ऑटोमेटा आप बना सकते हैं? सोचते हुए बताइएगा क्या इस लैंग्वेज के लिए आप ऑटोमेटा बना सकते हैं? सोच के बताइएगा क्या इस लैंग्वेज के लिए आप ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं? सवाल को बड़ा सिंपल रखें, क्या ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सवाल को सिंपल रखें, पिछले वाले क्वेश्चन से मैच ना करें, आगे कोई बात ना सोचें, सिर्फ सवाल का जवाब है यस या नो। जी बेटा, क्या इस क्वेश्चन का ऑटोमेटा डिजाइन हो सकता है? कोई पैटर्न नहीं, एक सवाल का जवाब आया जिसमें कोई पैटर्न नहीं, और कोई जवाब है? कोई और जवाब है? नहीं देंगे ना बेटा, अलग अलग से करके नहीं देंगे साहब, छोटे से यही तो बता रहा हूं कि जो बंदा आपको स्ट्रिंग देगा वो अलग अलग से देगा, लेकिन आपको कंबाइन स्ट्रिंग मिलेगा। जो बंदा आपको ये स्ट्रिंग देगा वो अलग अलग ही करके देगा दाएं की बात उसने, लेकिन जब आपको मिलेगा तो कंबाइन मिलेगा। आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें W क्या है, W R क्या है और X क्या, आपको नहीं पता होगा ये। अब बताइए मैंने चेंज ये किया है कि जो x की लेंथ थी पहले मैंने 5 की हुई थी, अब मैंने x की लेंथ को बाउंड नहीं किया हुआ, पहले x लाजमी 5 होना चाहिए था, अब x जो है वो 5 लेंथ का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात? अब आप मुझे बताइए सोच के। अच्छा जी, नहीं बन सकता, आप सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बन सकता। आप
आपको ये स्ट्रिंग मिला, आपने बोला यार मुझे तो पता ही नहीं है एक्स है, सर इस पूरे को एक्स ले लेते हैं, शुरू में जो सर जो एप्सिलॉन उसको डब्ल्यू ले लेते हैं और बाद में जो एप्सिलॉन उसको डब्ल्यू आर ले लेते हैं। हाँ भाई देखिए समटाइम्स ना टॉपिक पूरा नहीं समझाया जाता, सिर्फ एक एक पॉइंट बताया जाता है ताकि स्टूडेंट उसको खुद कैच करे। तो ये भी खत्म नहीं हुई बात, मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैंने काम किया है वो लॉजिक समझ में आ रही है कि चूंकि आपने मुझे एक्स पे बाउंड नहीं किया हुआ तो मैंने एक्स को दोनों तरफ से एक्सपेंड करने की कोशिश की और इतना एक्सपेंड कर दिया कि मैं कहां तक पहुंच गया, मैं पहुंच गया एंड तक। और मैंने कहा भाई चूंकि आपने मुझे बताया नहीं था कि एक्स क्या है तो मैंने एक्स के अंदर पूरे स्ट्रिंग को ईट कर लिया, और अब एक्स के अलावा जो है वो क्या है, यहाँ डब्ल्यू एप्सिलॉन हो गया और डब्ल्यू आर क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। हाँ बेटा मैं अभी इसको ना कंप्लीट बात बताऊंगा आपको, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हमारा पॉइंट क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है या नहीं बन सकता, इतना पॉइंट है हमारा, ठीक है। आ जाते हैं वापस, सवाल ये है कि हमें जो भी सवाल दिया गया हो, हमें चूंकि ये कहा है कि एक्स की लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, तो जो हम हैं हम अपनी बात कर रहे हैं, ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं, हम अपने ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटा को जब आपने बताया नहीं एक्स की लेंथ क्या है, तो हो सकता है ऑटोमेटा हो क्या सकता है, ऑटोमेटा इसी लॉजिक से काम कर ले कि पूरे स्ट्रिंग को एक्स में रीड कर ले और डब्ल्यू को सपोज कर ले एप्सिलॉन और डब्ल्यू आर को सपोज कर ले एप्सिलॉन, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए, एप्सिलॉन का रिवर्स एप्सिलॉन ही होता है, जिस तरह से ए का रिवर्स ए ही होता है और बी का रिवर्स बी होता है, इसी तरीके से एप्सिलॉन का रिवर्स एप्सिलॉन होता है। तो अब अगर मैं इस लॉजिक से ऑटोमेटा बनाने की कोशिश करूं तो ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, ये पूरा आपका स्ट्रिंग आ गया जो एक्स का था और ये आप चलेगा फाइनल। लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, क्या मैं ऑटोमेटा बना सकता हूं। अब मुझे जो भी स्ट्रिंग मिलेगा ना बेटा, ये देखो अब मुझे डब्ल्यू ए मिल जाए, ए ए ए ए ए बी, डब्ल्यू आर मिल जाए ए बी ए ए ए ए ए, और एक्स मिल जाए सिर्फ एप्सिलॉन, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा ए ए ए ए ए बी, एप्सिलॉन हो गया फिर बी ए ए ए ए ए, ठीक है। लेकिन मैं इस पूरे को जब मैं ऑटोमेटा बनाऊंगा तो एक्स कंसीडर कर लूंगा, अगेन एप्सिलॉन एप्सिलॉन डब्ल्यू डब्ल्यू आर, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिक, तो लॉजिक के हिसाब से ही बनता है, क्लियर हो गई बात। बिल्कुल, हमने ये कहा कि ऑटोमेटा किस हिसाब से काम करेगा, उस लॉजिक से तो ये बन सकता है। अच्छा जी एक एक और चेंजेस कर देते हैं इसके अंदर, क्या चेंजेस हैं, क्या मतलब है इसका, कि डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी क्लीन प्लस, प्लस का मतलब ये होता है कि कम से कम एक दफा आएगी वो चीज, ऐसा ही है ना, प्लस का मतलब ये होता है कि कम से कम एक दफा आएगी वो चीज। अब हम आ जाए वापस, हमने डब्ल्यू लिया, अब हमारी मजबूरी है, मैं डब्ल्यू लिया ए डबल बी, डब्ल्यू आर लिया बी बी ए और एक्स ले लिया ए बी, सही है। अब अगर हम इसको डिजाइन करें तो ये देखिएगा ए डबल बी ए बी 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 ए, अब आप मुझे बताइए पिछले वाले क्वेश्चंस को दिमाग में रखते कि क्या इसका बन सकता है, ये बन सकता, एक्स की लेंथ डिफाइन नहीं है, पहले भी डिफाइन नहीं थी, पहले वाले में थी 5, दूसरे वाले में नहीं थी, इस वाले में कह रहा है एटलीस्ट 1 होगी, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि एक्स की लेंथ कम से कम एक होनी चाहिए, W की लेंथ भी कम से कम एक होनी चाहिए, डब्ल्यू आर की भी कम से कम एक होनी चाहिए। पहले हम क्या कर रहे थे, जो W था उसको हम खत्म करके एप्सिलॉन तक ले जा रहे थे, इस क्वेश्चन में हमने ये चेंज कर दिया कि कम से कम W की लेंथ कितनी होनी चाहिए 1। इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब क्या होता है, मतलब कम से कम एक ही आएगा, सही है,
ये बात याद है ना, क्लीन प्लस पढ़ाया था, ये बात याद है। तो अब इसी चीज को लॉजिक में बिल्ड किया है कि आप जो ईटअप कर रहे थे पूरे स्ट्रिंग को, कम से कम आपने W के अंदर एक मेंबर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। इस चीज का मतलब समझ में आ गया, पहले बताए, अब आया वापस। अब आपने कहा सर मैं इस पूरे को ईटअप कर जाऊंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे लाजमी W के अंदर कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा कम से कम एक। क्यों? क्योंकि W की लेंथ भी कम से कम एक है, X की लेंथ भी। अब मुझे बताएं क्या इसका ऑटोमेटा बन सकता है इस लॉजिक से? क्या बन सकता है या नहीं बन सकता? क्यों बन सकता है भाई? क्योंकि क्योंकि W और WR सेम होने चाहिए। बिल्कुल वंडरफुल, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट और एंड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नहीं, ये दो अल्फाबेट की स्ट्रिंग टेक्निकली होगी नहीं बेटा, समझ गया, कि तीनों की लेंथ कम से कम एक होनी चाहिए। कुछ स्ट्रिंग ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें ये नहीं बता होता कि एटलीस्ट इतनी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन हमारे लॉजिक में ये चीज लिखी हुई होती है, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो कम से कम तीन होंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं ये वाली चीज समझ में आ गई, तो इसका मतलब अगर कोई और स्ट्रिंग होता तो बस हमारा फोकस किस पे, कि शुरू में और आखिर में सेम होना चाहिए, बाकी सब क्या होगा, एक्स होगा। इज इट क्लियर? तो अगर शुरू में ए तो आखिर में ए हो, बाकी सब सेम हो गया, शुरू में भी हो आखिर में भी हो तो बाकी सब क्या हो गया, सेम हो गया। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अच्छा जी, आप लोगों को पैलिंड्रोम पता है ना? पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम पता है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होता है? स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े सेम आता है, ए डबल बी ए बी 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 ए बी बी ए, ठीक है। बिल्कुल, जो स्टार्ट से पढ़े आप ये लास्ट से पढ़े वो स्ट्रिंग क्या होता है? सेम होता है। अगर मैं वैसे लैंग्वेज की बात करूं तो मैडम, ठीक है, मैडम सेम है, एक नाम है तलत, वो पैलिंड्रोम है। हाँ बिल्कुल, माहम, ये पैलिंड्रोम है। इस तरीके की जो चीजें होती हैं, और नंबर भी होते हैं, पैलिंड्रोम नंबर भी हो सकते हैं, 1 2 3 2 1, ठीक है ना, ये पैलिंड्रोम। तो आप जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स की, तो उसमें आपको ये पैलिंड्रोम भी शायद करवाया जाए या ना करवाया जाता हो, वो कोई मसला नहीं है, वो तो लॉजिक है। तो आप पैलिंड्रोम के प्रोग्राम भी बना के चेक कर सकते हैं कि भाई स्ट्रिंग इनपुट दें और चेक करके बताएं कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो वहाँ आप क्या करते हैं, वहाँ आप पूरे स्ट्रिंग को सेव करवा देते हैं रिवर्स में इंडेक्सिंग के जरिए, और फिर दोनों स्ट्रिंग को मैच करते रहते हैं। मतलब अगर मुझे ये मैडम इनपुट मिला है, ये असेंबली में तो बनवाया भी जाता है, अगर ये मुझे मैडम इनपुट मिला है तो मैं इसको रिवर्स में सेव करवाऊंगा, तो रिवर्स में पहले एम सेव होगा, फिर ए, फिर डी, फिर ए, फिर एम, फिर इनको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करते हुए असेंबली में आपको पता है कि कंपेयर करते हुए आपको पता है असेंबली में क्या होता है, आंसर जीरो आ रहा होता है। मतलब कंपेयर की इंस्ट्रक्शन चेक कर दी होती है, तो अगर आंसर जीरो आ रहा हो हर कैरेक्टर का तो चलते रहो, अगर कहीं अदर देन जीरो आ जाए, क्योंकि ये कैरेक्टर का एस्की कोड होता है, इसका एस्की कोड 61 है, इसका 161, 61 में से 61 माइनस हुआ जीरो आ गया, तो वो इस तरीके से काम करता है, याद है ना ये बात। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि नंबर पैलिंड्रोम जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू आर, ठीक है बेटा, W W R। अब आप बताइए कि बताएं कि ये जो है बन सकता है या नहीं बन सकता, इसका ऑटोमेटा पॉसिबल है या नहीं है। जी, इसका ऑटोमेटा पॉसिबल है या नहीं है,
एक्स तो नहीं लेना बेटा इसमें, मतलब जो डब्ल्यू होगा उसका ही रिवर्स आगे लिखा होगा, ये लॉजिक है। मतलब अगर डब्ल्यू है ए डबल बी तो आगे लिखा होगा डबल बी ए, ये सवाल है आपसे, बन जाएगा। अच्छा जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग, जी आंसर कीजिए, बताइए बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा एक स्टूडेंट कह रहे बन जाएगा, एक स्टूडेंट कह रहे नहीं बनेगा, बाकी लोग आइडिया नहीं हो पा रहा बेटा, जल्दी से आंसर कीजिए जो भी समझा आप लोगों ने। बिल्कुल साथ बिल्कुल सही कह रहे, नहीं बनेगा क्योंकि नहीं बनेगा बेटा, इसका रीजन ये है कि हमें पता ही नहीं है कि W कहाँ खत्म हो रहा है। पहले तो हम X को यूज करके अपने W को खत्म कर रहे थे, अब हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, हमें बता दो यार कि इसकी लेंथ कितनी आएगी। चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, स्ट्रिंग को डिवाइड कर दो, लेकिन आपको पता है स्ट्रिंग जो है इवन लेंथ का भी हो सकता है, ऑड लेंथ का भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग जो है वो इवन लेंथ का भी हो सकता है, ऑड लेंथ का भी हो सकता है। तो वैसे तो बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन ऑटोमेटा को कैसे पता चलेगा कि जो मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ, जिस पर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे वापस आना है, तो ये भी इनफाइनाइट कंपैरिजन हो गया, ये भी इनफाइनाइट कंपैरिजन हो गया कि पहले नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी एक साथ आ रहे हैं और जहां तक आ रहे हैं हमें पता भी नहीं है कि यहां तक देखना है, उसके बाद नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए का ऑर्डर हमें देखना है। क्लियर हो गई बात? अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये यहां तक है, हमें पता ही नहीं है कि यहां तक है क्योंकि हमें पता ही नहीं है लेंथ कितनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? किसी का भी नहीं हो सकता, ऑड का पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, अच्छा बिल्कुल आपकी बात सही है, इस क्वेश्चन में ऑड का स्ट्रिंग नहीं हो सकता क्योंकि W का हमेशा डबल होगा, तो ऑड बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इवन बन जाएगा, लेकिन वैसे तो पैलिंड्रोम डबल हो सकता है ना। तो नहीं बनेगा इसका, एग्री? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा हमें पता नहीं है कि W कहां तक लेके जाना है, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें पता नहीं था, लेकिन हम अपनी ट्रिक यूज करते हुए क्या कर रहे थे, W को X में शामिल कर रहे थे। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें नहीं पता था, लेकिन हम अपनी ट्रिक यूज करते हुए W को X में शामिल कर रहे थे, तो हमारा फायदा हो रहा था, लेकिन अब जो है हम फंस गए क्योंकि हमें नहीं पता कि बीच में कोई चीज है या नहीं। क्लियर? अच्छा अब ना अभी हमल गौर कम पड़ेंगे, एल्गोरिथम का नाम है पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा। अब ये नाम से क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है, तो ये बेसिकली इसमें एक पॉइंट आता है जिसमें हम वैल्यू को पंप करवाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन यह एल्गोरिथम या मेथड करता क्या है उसको गौर से देख लीजिएगा। देखिए पंपिंग लेमा का कॉन्सेप्ट ये है कि ये नेगेटिविटी टेस्ट है किसी भी लैंग्वेज का, मतलब अगर मैं इसको नेगेटिविटी टेस्ट, किसी भी चीज की नेगेटिविटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं इस पे एक लैंग्वेज दूंगा, मैं इस पे एक लैंग्वेज दूंगा, लैंग्वेज मुझे नहीं पता कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर, मुझे नहीं पता कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नॉन रेगुलर। मैंने इस पर इनपुट दिया, इसका अपना एक मैकेनिज्म है पूरा, डिफरेंट मेथड्स स्टेप फॉलो होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर फर्ज कर लीजिए कि ये टेस्ट, ये जो टेस्ट है पंपिंग लेमा का जो टेस्ट है, इस लैंग्वेज ने फेल हो गई, ये लैंग्वेज उसमें फेल हो गई,
तो लैंग्वेज 100% नॉन रेगुलर है। पॉइंट समझ में आ गया कि अगर लैंग्वेज ने ये टेस्ट फेल कर दिया तो लैंग्वेज क्या है? नॉन रेगुलर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेकिन अगर लैंग्वेज ने टेस्ट पास कर दिया तो चूंकि ये नेगेटिविटी टेस्ट है तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हो सकता है रेगुलर हो सकता है रेगुलर ना हो। क्लियर हो गई बात? नेगेटिविटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पे ट्रू है, पॉजिटिव पे हमें नहीं पता कि क्या मामला था। तो अगर टेस्ट पास कर लिया तो इट माइट बी पॉसिबल कि रेगुलर हो और नॉन रेगुलर, लेकिन कंफर्म का भी नॉन रेगुलर जो फेल कर गए। क्लियर हो गई बात? अब ये ऐसे ही काम करता है, आपके चाहने से मेरे चाहने से ये अपनी लॉजिक चेंज नहीं करेगा। तो ये नेगेटिविटी पे आपको बताता है फेल कर लो अगर तो नेगेटिव है, मतलब नॉन रेगुलर है। अगर पास कर लो तो आप किसी और तरीके से चेक कर लो, कोई और मेथड लगा लो, लेकिन अगर आपको नेगेटिविटी टेस्ट करनी है तो आप 100% अगर ये फेल कर जाए तो आप कह देंगे लैंग्वेज का नॉन रेगुलर। इज इट क्लियर? If a language doesn't satisfy pumping lemma, then we can definitely say that it is a not regular language. But मैं पहले भी बता चुका हूँ, if it is satisfied, then the language may or may not be regular. तो ये पॉइंट याद रखिएगा, may or may not be regular. क्वेश्चन मार्क मैंने इसके लिए बनाया कि आप यहाँ पर स्टैम्प नहीं लगा रहे कि वो लैंग्वेज रेगुलर हो गई है। आप यहाँ तो श्योर है कि भाई लैंग्वेज नॉन रेगुलर, लेकिन यहाँ आप स्टैम्प नहीं लगा सकते कि लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर या रेगुलर। ठीक है? अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स बड़े सिंपल हैं, बड़ा आसान एल्गोरिथम है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगेन आपके दिमाग में एल्गोरिथम पढ़ते हुए ये चीज़ याद रहेगी कि हम अगर फेल कर जाते हैं, अगर हम फेल कर जाते हैं टेस्ट को, तो इसका मतलब है लैंग्वेज क्या है? नॉन रेगुलर। नहीं, आप इसकी हेल्प से आप इस तरह से काम कर सकते हैं ना बेटा, कि आपको एक लैंग्वेज पे अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, यार ये लैंग्वेज तो नॉन रेगुलर है, आप क्या करेंगे? आप पंपिंग लेमा का एल्गोरिथम दें, मैं आपको थोड़ा एल्गोरिथम पढ़ा दूं ना साथ, तो फिर आपको पॉइंट मेरा क्लियर हो जाएगा कि अगर आप, मैं क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा रहा हूँ, मैंने वहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। एल्गोरिथम जरा एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन मार्क क्यों लिखा हो। समटाइम्स ना आप टेस्टिंग करते हैं, तो ये अगर फर्ज कर लें कि मैं दोबारा से इसको अगर यहाँ लिखूं, ये लैंग्वेज है, टेस्टिंग कैसे होगी? कोई ना कोई स्ट्रिंग ही दोगे ना बेटा। टेस्टिंग कैसे होगी? कोई ना कोई स्ट्रिंग दोगे। एक स्ट्रिंग दिया, फर्ज करें स्ट्रिंग नंबर 1 दिया, कोई सा भी रैंडम, फेल हो गया, तो आपने कहा नॉन रेगुलर। लेकिन फर्ज कर लें आपने स्ट्रिंग नंबर 4 दे दिया 10 को इनपुट, और उस पर टेस्ट पास हो गया ओरिजिनल, गिवन दैट ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर, Given that ये language non regular और आपको पता नहीं, are you getting my point? इस चीज को समझ लीजिएगा, given that कि ये language non regular है आपको पता नहीं, इसमें बहुत सारे string होंगे, ऐसा ही है ना, बहुत सारे string होंगे एक से लेके infinite तक। अब आपने number 4 number का string दे दिया, given that कि ये language क्या है? non regular है। अब 4 number के string पे ये test pass हो गया, तो आप decide नहीं कर सकते, आप क्या करें? आपको शक है ना, तो आप एक के behalf पे decide नहीं करेंगे, एक के ब्याज पे डिसाइड नॉन रेगुलर में कर सकते हैं, मतलब फेल पे कर सकते हैं। अगर लेकिन आपने बोला सर 10वां भी देके देखूंगा, 20वां भी देके देखूंगा, कितने देने हैं वो तो देखें टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी एक पे अगर ये फेल हो गया तो बाकियों पे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये किसी एक पे पास हो गया तो 4-5 देके भी आप देख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप ये समझने की कोशिश करें कि आप किसी को चांस देना चाह रहे हैं, तो अगर वो पास हो जाता है तो चांस दे रहे हैं आप, फेल पे चांस नहीं दे रहे हैं। अगर वो पास हो जाता है तो आप उसको मजीद चांस दें, मजीद टेस्टिंग करें, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब है वो यहाँ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये टेस्ट ही कहता है कि अगर कोई स्ट्रिंग यहाँ फेल हो गया तो वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर। क्लियर हो गई बात? तो ये बात मैं बाद में बताता, लेकिन आपने अभी पूछ ली तो अभी बतानी पड़ गई। मैं जब एग्जाम्पल करवा देता टेस्टिंग का ना, टेस्टिंग जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठते हैं, आप
टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग का मैकेनिज्म ये कहता है कि टेस्टिंग एक, मैंने आपसे हमेशा एक बात की है कि ऑब्जर्वेशन ना एक एग्जाम्पल के बाद डेवलप नहीं होती जर्नलाइज। आज मौसम सर्द है, आपने बोला भाई अक्टूबर के महीने में तो सर्दी हो जाती है, तो नहीं ऐसा नहीं है। आप हर साल देखें, हर डे देखें अक्टूबर का, और उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को जर्नलाइज करें। ठीक है, इस साल कैसी बारिश हुई है, पाकिस्तान में कोई बंदा अगर आ जाता बाहर से, वो कहता है पाकिस्तान में तो बहुत बारिश होती है। नहीं, क्योंकि वो उस महीने में आया था, अगस्त के महीने में, जिसमें बारिशें होती थी। अब आ जाए वो तो बारिश नहीं होगी। पॉइंट समझ रहे हैं? तो अगर वो सिर्फ एक मंथ की ऑब्जर्वेशन पे वो ये जर्नलाइजेशन फॉर्म कर दे किसी को बताते हुए, तो नहीं यार पाकिस्तान में तो बहुत बारिश होती है, हमसे पूछो। और वो लॉकडाउन से पहले आया था, ईद से पहले लाइट भी नहीं जा रही थी, वो कहता है पाकिस्तान में तो लाइट भी नहीं जाती। तो जर्नलाइजेशन ऐसे फॉर्म नहीं होती, जर्नलाइजेशन फॉर्म होती है मल्टीपल ऑब्जर्वेशन के बाद। और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। ये हर जिंदगी के हर मोड़ पे ना, हर जगह पे आपको ये रूल अप्लाई करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन एक नहीं होती। एक बंदा अगर कुछ गलत कर जाए आपके ख्याल में, उसको एक चांस और दे दो। आपने किसी से कोई चीज़ बनवाई, या किसी से कोई काम करवाया, या किसी सब्जी वाले से कोई चीज़ ली, या कोई और चीज़ ली, तो अगर एक आध दफा के बाद आपको लगता है, तो फिर आप उसको एक दो चांस और दीजिए। जर्नलाइजेशन फॉर्म ना लीजिए। हाँ, आप नहीं जाते नहीं जाए, लेकिन उसके बारे में फिर आप किसी और को ना बताएं। हो सकता है उसने अपना चीज़ चेंज कर लिया, तो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी यही है कि लैंग्वेज जो है, जब आप उसको इनपुट दें एक स्ट्रिंग और वो पास कर जाए, तो आप ये कहें नहीं सर मैं इसको एक और चांस दूंगा। यहाँ पॉजिटिव पे पास देने, चांस देने की बात हो रही है। लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पे चांस देते हैं, लेकिन ये एल्गोरिथम नेगेटिविटी टेस्ट है। तो ये नेगेटिव पे ये कह रहा है, ये नेगेटिव पे ये कह रहा है कि अब तुम्हें चांस नहीं देना, पॉजिटिव पे चांस दो। लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव पे अच्छा इंप्रेशन बनाते हैं। हम यहाँ पॉजिटिव पे अच्छा इंप्रेशन नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं पॉजिटिव है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पॉजिटिव है तो हम ये कहते हैं नहीं यार चेक कर लो भाई, चार पांच देख लो, यूजर को देना है तो यार ये देखो ये तो सही चल गया, कैसे चल गया, इसको एक दो पे और देख लो, चार पांच पे और देख लो। नेगेटिव पे ये है कि नहीं अब तो भाई ये है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा है। क्लियर होगी मेरी बात? तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये बड़ा आसान एल्गोरिथम है, इसकी दो तीन एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी स्लाइड भी मेरे पास मौजूद है, तो ये स्लाइड भी मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, फिर मैं ये एल्गोरिथम स्टार्ट करूंगा।